हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो जॉब अपडेट है वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स में फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 3 मार्च से है, और लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने का है 15 अप्रैल 2021। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांच में रिक्रूटमेंट होना है। तो आप यहां देख सकते हैं मैकेनिकल और सिविल में। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 25 है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में अगर आपने बीटेक किया है या फिर एमआई सेक्शन ए और बी दोनों क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहां देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है सिविल में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमआई सेक्शन ए और बी आपने अगर क्लियर किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपके 25 और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 25 है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बीटेक या एमआई सेक्शन ए एंड बी क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ भी 25 है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज, तो आप यहाँ देख सकते हैं SC ST के लिए 20 और 18 पोस्ट है, OBC के एंड CNC के लिए मीन्स 49 है, EWS कैंडिडेट के लिए 20 है और जनरल के लिए 93 है। इस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फ्रेंड्स सभी ब्रांचे और सभी कैंडिडेट कैटेगरी को मिला के नंबर ऑफ पोस्ट 200 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं अगर क्वालिफिकेशन मस्ट बी फोर ईयर फुल टाइम अगर रेगुलर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ तो इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए बीटेक या एमआई सेक्शन ए एंड बी में वो 60% होना चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए 50% या फिर इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, यहाँ देख सकते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको 3 तरीके से ये सिलेक्शन होना है। आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, और ग्रुप टास्क होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा। और अगर बात करें कि इस CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड आ सकता है मीन्स इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। और दूसरा होगा आपका आपके कोर ब्रांच से रिलेटेड, जिस इंजीनियरिंग फील्ड से आपने बीटेक या एमआई सेक्शन ए एंड बी क्लियर किया है उससे, इसके बेस पे ही फ्रेंड्स आपका जो है तीनों में नंबर एग्रीगेट जो टोटल आपके आएंगे उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो होगा वो 85% इसका वेटेज होगा, मीन्स 50% आपका डोमेन सेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, और टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 60% रहेगा जनरल ओबीसी के लिए और 54% रहेगा SC ST के लिए। ग्रुप टास्क का वेटेज रहेगा 5% और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 10%। फाइनल स्कोरिंग आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बेस पे आपके नंबर्स काउंट किए जाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। अगर हम बात करते हैं सैलरी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी बहुत अच्छी है आपकी, 50,000 से लेके 1,60,000 मीन्स पर एनम आपकी CTC जो होगी वो 15.17 लाख रुपीज़ होगी।
बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं डेली जो भी जॉब अपडेट लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।